वैलेंटाइन डे आज इसकी डेफिनेशन बतानी क्या है, ये कौन है, क्या है ये? ये कोई बुजुर्ग थे, ये कोई बाबा थे, ये किसी पहाड़ी पे रहते थे, इनका बैकग्राउंड क्या है, या ये किसी दवाई का नाम है जो प्यार में काम आती है? एक्चुअली जो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं एक दफा साइंसदान के तौर पे पैदा हो चुका हूँ, उस वक्त मुझे पता लगा था कि ये एक पादरी थे और छुप के शादियां करवाया करते थे उन लोगों की, जिन्हें जमाना मिलने नहीं देता था, जो आज भी होता है कल भी होता था कि नहीं होगी तुम्हारी उससे शादी, अब्बा खानदानी रिवायतें, मूछें, दाढ़ियाँ, बंदूकें, पिस्तौलें, दीवारों पे भयानक तस्वीरें, फांसी, जिंदा दफनाओ, गड़म, सब स्टार्ट क्या था इसके खिलाफ, वो छुप कर इन लवर्स को उनकी मैरिज अरेंज कराता, उसकी याद में मनाया जाता है वैलेंटाइन डे। मोहब्बत के दिन हमारे आशिकों के नाम पर क्यों नहीं बनाए जाते, सवाल यह पैदा होता है। हीर डे बनाओ, हीर डे, हीर डे होता तो कैसा होता? माएं बच्चों को तैयार करती, बेटों को, उठ वे रांझा बनना है तू, उठ जा सुस्त, चल जाके बांसुरी पकड़ के खड़ा हो जा गली के नुक्कड़ पे, आज हीर और रांझा डे है। कितना मजा आता, रांझे बांसुरियां बजा रहे होते, चैन की बांसुरी, अमन की बांसुरी, मोहब्बत की बांसुरी फजाओं में गूंज रही होती, और मोहब्बत वालों का ये दिन शुरू होता वैलेंटाइन डे के बजाय हीर डे, रांझा डे। क्यों नहीं मनाते? मजनू डे मनाओ यार, मजनू, मजनू कहाँ का रहने वाला था जरा भाई बताना मुझे, म्यूजिक से बताना कहाँ का था। मजनू, मोहब्बत, रेगिस्तान, तपती हुई रेत, मजनू, लैला, हमें ये तो बड़ा है कि यार अंग्रेजों का दिन है, अब काला कोट पहनना है, रेड शर्ट पहननी है, काली टाई पहननी है, ये भी वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लाल वस्ट है इनकी, ब्लैक ड्रेस इन्होंने पहने हुए, और मोहब्बत करने के लिए भी जाएंगे, जैसे शो खत्म होगा ये मोहब्बत करने रवाना हो जाएंगे। मोहब्बत ही की तो जरूरत है, किसी के नाम से भी हो, किसी के नाम से हो मोहब्बत, हो प्यार, अमन हो, शांति हो, प्यार हो, पूरे वतन में हो, वतन के लोगों को एक दूसरे से हो। फूल भेजो दोस्तों, आज का दिन फूल भेजो, या हम ये पूरा वीक मना रहे हैं वैलेंटाइन डे का, पूरा वीक है हमारा ये, और इसके अंदर हम इस वीक में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फूल भेजो, बल्कि उन फूलों में से कांटे भी निकाल लो, कांटा ना भेजना किसी दोस्त के घर, फूल भेजो, कांटा निकाल लो, कांटे खुद रख लो, फूल दोस्तों को दे दो, यही दोस्ती है और यही प्यार है। आज का प्यार हमने आपके सामने कहा कि हम यहां ये भी पेश करेंगे कि हीर रांझा इस दौर में होते, लैला मजनू इस दौर में होते, सस्सी पुन्नू उस दौर में होते, वो क्या करते, ये भी हम पेश करेंगे, लेकिन इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये वो जगह है जहां से हम पूरी दुनिया को इस दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं, बल्कि मैं पूरी दुनिया में एक बात कहना चाहता हूं, ये प्रोग्राम अमेरिका, इंग्लैंड, अरब अमारात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान में भी देखा जाता है। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों से है, ये जो 14 फरवरी है, हिंदुस्तान से बड़े फूल आने चाहिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बहुत फूल जाने चाहिए, मोहब्बत के फूल, वी आर नेबर, ये हमारा हक है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, हम कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं तो पागल हुआ हूं करीना की मोहब्बत में, और ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मुल्क के हालात अच्छे हो, और मैं यहां तक कुर्बानी देने को तैयार हूं कि चलो करीना नहीं तो चलो करीना की बहन करिश्मा ही सही, मुझे तो मोहब्बत से मतलब है, तो मुझे फैलानी है, और वो भी ना सही, तो चलो प्रियंका चोपड़ा पे भी मैं
गुजारा करने को तैयार हूं और कुछ नहीं हो सका प्यार के लिए तो मीरा तो है ही ना, मीरा से ही प्यार हो जाएगा मुझे, मुझे तो प्यार फैलाना है। आपसे भी गुजारिश करूंगा कि लम्हात लम्हात गिनिए, क्योंकि जिंदगियों के कोई भरोसे नहीं। मजाक अपनी जगह पर, हकीकत की लाइन यह है कि इंसान वापस जाए मोहब्बत बांट कर, जाना तो है मगर मोहब्बत बांट के जाएं ताकि वो मोहब्बत तकसीम होती रहे और फैलती रहे और एक फूल से पूरा आंगन पूरा मुल्क की ज़मीन भर जाए और फूल ही फूल हों, मोहब्बत के फूल, अमन के फूल। मुझसे सारे छीन लेंगे फूल अगर ब्रेक गया मैं भूल। छोटा सा ब्रेक लूंगा, छोटी सी कली होती है ना, छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं और गुफ्तगू करेंगे रियल मोहब्बत करने वालों से, जो मोहब्बत भी कर रहे हैं और उन्होंने शादियां भी की और जिंदगी भी साथ गुजार रहे हैं। डोंट गो एनीवेयर, वी विल राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने किसी से प्यार किया? किसी को दिल दिया? किसी का दिल लिया? किसी को आपने छेड़ा? खुद ही फंसोगे भाई। बुरी बात है, किसी को कभी मत छेड़ो, मत छेड़ो, ये बुरी बात है, गंदी हरकत है, तौबा कर लो, कानों को हाथ लगाओ, पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए भाई। आप लोगों के लिए कह रहा हूं मेरे भाई। अच्छा, ये मोहब्बत में दो बातें हैं, एक तो मोहब्बत होती है शादी से पहले, एक मोहब्बत होती है शादी के बाद। शादी से पहले मोहब्बत के अंदर गड़बड़ का अंदेशा होता है, बात नहीं बनती और शादी नहीं हो पाती खुदा ना खास्ता, तो फिर वो मोहब्बत ही रह जाती है बस। और मोहब्बत हो, अंडरस्टैंडिंग हो, शादी हो जाए और आप बच्चों के बाप बन जाएं, तो फिर पता चलता है कि घर जो है ना वो जन्नत बन गया है और आपके घर में एक सुकून है, सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। आज मोहब्बत का दिन है, मोहब्बत करने वाले ही आज के मेहमान हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की, प्लेयर है हमारे, सुतून, इस वक्त बहुत लोड है उनके ऊपर और इंडस्ट्री में काम नहीं है, उन पर लोड बहुत है। क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरती से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ अपने आप को कन्वर्ट किया और नाउ ही इज बिजी, बहुत सारी ड्रामा सीरियल, इसके बावजूद जितनी फिल्म बन रही हैं, जिस कदर भी काम हो रहा है वो सब काम कर रहे हैं, हमारे मेहमान हैं। आपकी तालियां इतनी मोहब्बत भरी होनी चाहिए जैसा कि आज का हफ्ता मनाया जा रहा है। भरपूर तालियों में हमारे आज के स्पेशल शो के स्पेशल मेहमान फिल्म स्टार मोअम्मर राना और भाभी, आप दोनों को आज के इस मोहब्बत भरे शो में, इंतहाई मोहब्बत के साथ में शरीफ शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। ये जियो की एक स्पेशल पूरे वीक जो है ना ये चलेगा वैलेंटाइन डे, और इसके अंदर हम इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम पेश करेंगे। ये बताइए, ये कौमी नगमा किस फिल्म का है? ये दिल आपका होगा तो भाभी का क्या होगा? अगर ये दिल मेरा हो गया तो एक्चुअली ये पूरी शूटिंग पे साथ थी तो उसको पता कि दिल, ये दिल तो इन्हीं का है और हमारा तो सिर्फ बिली हो सकता है। मम्मी, लव हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई, मोहब्बत शादी में तब्दील हुई, अल्लाह ने आपको औलाद से भी नवाजा, बड़ी गुड़िया अल्लाह ने आपको एक अता फरमाई, अब आप लोगों का दिल में अभी भी मोहब्बत है एक दूसरे के लिए? बिल्कुल है जी, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दो बेटियों से नवाजा मुझे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और वन इज 11 12 एंड वन इज 6 माशाल्लाह। तो नहीं, प्यार की बात हो रही है, औलाद की बात नहीं हो रही, तो औलाद तो हो ही जाती है, जब प्यार होता तो औलाद होगी ना उमर भाई। नहीं यार, ये ऐसी बात नहीं है, एक हमारी जानने वाले बड़ी शिकायत करती रहती है कि 10 बच्चे उनके 10 बच्चे और शिकायत करती रहती है, पैन सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। औलाद और प्यार को की सेटिंग ना करें आप,
बात बताएं प्यार। नहीं उमर भाई, मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, ऑब्वियसली जो भी आज मैं हूँ, जो जितनी सबसे पहले अल्लाह ताला है, फिर माँ बाप है मेरे माशाल्लाह जिनकी दुआएं हैं, और उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको अच्छा मिले। डेफिनेटली, ठीक है ना। तो अल्लाह के बाद, अपने पेरेंट्स के बाद, मैं यही कहता हूँ कि आई एम वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट गाइज इन द वर्ल्ड कि मिनाज केम इन टू माई लाइफ और इसने मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। यहाँ तक कि जब हमारी शादी हुई थी तो उसके चार दिन के बाद मुझे शूटिंग पे जाना था, तो शी वॉज द वन जो मुझे कह रही थी कि उठो जागो, आगे अभी बहुत आगे जाना है, बहुत आगे चलना है। सो आई एम ब्लेस्ड विद दैट। ये बड़ी अच्छी बात है कि भाभी में आप, भाभी जालिसी कब फील करती हैं ईमानदारी से झूठ? और ये आज जो झूठ बोलेगा ना, ये अचानक ये दिल फटने चाहिए। ऐसा हमने सिस्टम लगाया इनके अंदर, ये बारूदी सुरंग है। मैं सही बता रहा हूँ। और कुछ दिल जो है इसमें वो फेफड़े के डिजाइन के बन गए। तो ये मैं इसीलिए बच बच के आ रहा था। अच्छा क्या, हमने फिर भी आपने दो दिल फोड़े हैं भाई वहाँ। इन्होंने काफी दिल तोड़े हैं। भाभी का जवाब ये होती है टाइमिंग। मैंने कहा दिल फोड़े हैं, कह रही है नहीं नहीं इन्होंने काफियों के दिल तोड़े हैं। भाभी जिनके दिल इन्होंने हमारे भैया ने तोड़े हैं जी, आपने वो देखे हैं चेहरे? वो बहुत करीब से देखे हैं मैंने चेहरे। नहीं आप आहिस्ता आहिस्ता ये ना को बस 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 ये आवाज आई कि अभी आपको भी आई होगी। ऐना करो, अलग अलग बिठा दूंगा मैं आपको। कुछ लोग तो वतन भी छोड़ चुके हैं। कुछ लोग उसमें से वतन इतना दिल टूटा कि मुल्क ही छोड़ दिया। हाय अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। लेकिन देखो उससे वो बीमार हो जाती, इसलिए अल्लाह ने उसे डॉक्टर भी अता कर दिया। देखिए ना गलत कहा मैंने कोई बात। अरे भाई मैंने को कहा मैं अपनी भाभी से तस्दीक, गलत तो बात नहीं करी। नहीं नहीं मैं तो देखो भाभी जब तस्दीक कर रही तो ओके। नहीं मगर इनसे बहुत से लोगों ने प्यार किया है। क्या है इनमें ऐसा, क्या है इनमें? कोई मैं इस पे एतराज नहीं करती, बिकॉज प्यार करने वाली चीज है। तो प्यार अच्छा, आपका एतराज नहीं है? नहीं नहीं मुझे नहीं एतराज, पूरी कौम प्यार करती है। अल्लाह ऐसी बीवी सबको, फुल पाकिस्तान को ऐसी बीवी अता फरमा दे जो अपने शोहरों से ये कह दे कि तुम प्यार करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, और जिस पे एतराज हो उसे बाहर भिजवा दे। किसी पे तो दिल जला था आपका ना, जला था? नहीं नहीं किसी पे भी नहीं हुआ। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा अब तो नहीं ऐसे हैं ये? ये कभी भी ऐसे नहीं थे, मगर लोग ऐसे वैसे लोग थे। ऐसे ना क्या कर सकते हैं, वो बहकाते थे इनके, वो क्या कर सकते हैं बेचारे, ये प्यारे से हैं, ये प्यारे से भोले से हैं, इनको कुछ नहीं पता। रोटी को चोची बोलते। अच्छा भाभी इनकी किस बात से मोहब्बत हुई थी, क्या क्या बात थी, कोई बशारत हुई थी आपको? ये बड़ा नेक आदमी है। कोई ख्वाब में बुजुर्ग आए, बेटा मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हुआ हूँ, तुम्हें ऐसा शोहर हम देंगे, तुम सोचती रह जाओगी। नहीं हमारी मुलाकात एक मेहंदी पे हुई थी। एक मेहंदी पे? जी एक मेहंदी। अब मैं यहाँ एक तला कर दूं भाई, आइंदा जो भी कोई है ना मोहम्मद राना को मेहंदी पे बुलाने से जरा एहतियात करें। ये मेहंदी पे गए थे और वहाँ मिले थे इनसे। अच्छा मेहंदी पे गए, मेहंदी का माहौल येलो सारा, ये वो फला फला गीत वीत ढोलक लड़कियां डांस वांस ये वो, ये बैठे हुए एक सोफे के ऊपर ये देख रहे थे। हाय देखो मैंने स्क्रीन प्ले बना दिया है। स्क्रीन प्ले बना दिया, हीरो का भी बता दिया आपने के। अच्छा बैठे हुए और ये उस वक्त एक स्टार बन चुके थे, बिकॉज इनकी दीवाने तेरे प्यार के सबसे अच्छी बहुत अच्छी फिल्म थी, सुपर डुपर हिट हो चुकी थी, मगर क्योंकि हमने नहीं। और आप इनको जानती थी कि ये? नहीं मुझे मिलवाया गया था। अच्छा। ये सारी लड़कियां थी तो सबको मिलवाया गया कि ये सब मिलना चाह रहे थे तो मैं भी मिली। ये होता है खानदान में कि मिलवाते हैं शादियों में लड़कियों। हाँ। से तारुफ होता है, तारुफ होता। ये भी होता है जहन में घर वालों के लड़के वाले के कि भाई ऐथों को कुड़ी पसंद आ जाए तो ठीक है। पहले भी ऐसे ही होता था, तंबुओं में सिगरेट लगा के सुराख करके झांक झांक के लड़के थे। जमाना वो सारे जमाने। अच्छा ये अब अरेंज हुआ, वो जमाना गुजर के मैं फिर इस मेहंदी पे गया था। अच्छा अब इंट्रोडक्शन हुआ। हाँ जी। ही इज मोअम्मर राना। तो हम इन्होंने हमारी जब बात हुई तो हम सब फ्रेंड्स थी सारे हम लोग साथ, तो हमने कहा कि हमें आपकी फिल्म की टिकट्स नहीं मिली,
क्योंकि जैम बुक था, नाफ्टेक होता था इस्लामाबाद में उस ज़माने में ओपन. तो हम 3-4 दफ़ा गए बट हाउस फुल था. तो फिर इन्होंने वादा किया कि मैं आप सबको लेके जाऊंगा फिल्म दिखाने, क्योंकि सारी टिकटें मेरे ही पास हैं और मैं ही शाम को ये सारी टिकटें बांटता हूँ. नहीं नहीं, फिर उमर भाई नेक्स्ट डे आई थिंक शादी पता चला इसकी जेब में से टिकटों की गड्डियों की गड्डियां कितनी चाहिए बताएं आप. उमर भाई मैं तो बंदी फंसा रहा था ना उस वक्त. फिर हम सारे इन्होंने आपका नाइस बिहेव किया आपने, सारी फ्रेंड्स के लिए जितने भी लोग थे हम लोग सारे जो कजन्स वगैरह तो बन गए होंगे जी, सिनेमा हॉल बुक करवाया. अल्लाह, लेकिन वो 20-25 जो थे वो नहीं थे, हम लोग सिर्फ दो बैठ के फिल्म देखे. नहीं नहीं, इन्होंने मुझे कहा सब वहाँ आ जाएंगे. तो मैं, यार ये तो फिल्मी सीन है. मैं और मेरी छोटी बहन वहाँ चले गए. तो वहाँ जाके देखा तो हमारी कोई कजन, कोई शादी में जितने लोग कोई भी नहीं, उनमें से किसी को टिकट नहीं मिली. जिनकी शादी भी थी हाउसफुल है, जिन्होंने जिनकी शादी पे भी गए थे वो लोग भी कोई नहीं थे. तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आपके लिए सिनेमा की बुकिंग करवाई है. आप दोनों ने देखी बैठ के फिल्म? हाँ जी. वो बहन कहाँ गई? साथ बहन थी मेरे साथ. बहन बहन साथ में थी. ये आइटम नहीं जान छोड़ता. ये गलत आइटम. ये जो बहन है ना, ये जिससे प्यार हो ना उसकी बहन जरूर होती है कोई ना कोई. ये अनारकली से वाक्य चला. आप देखो शहजाद सलीम के साथ एक पख लगी हुई है. मैंने देख लिया सब. बट उसने बड़ा साथ दिया था मेरा एक्चुअली. तो फिर इन्होंने पूरी फिल्म दिखाई और जब फिल्म एंड हो रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोना शुरू कर दिया. और इन्होंने मेरे से पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी या क्या? तो मैंने कहा नहीं, फिल्म इतनी अच्छी है, मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा और आपने जिस मेहनत से फर्स्ट फिल्म सेकंड फिल्म, ये आपको इसका मतलब है रोते हुए अच्छे लगते हैं? नहीं, मुझे एक पैशन नज़र आया इनके काम में, एक मेहनत नज़र आई, जज्बा. तो फिर इन्होंने मुझे वहाँ प्रपोज किया कि क्या आप सिनेमा में ही? हाँ जी. अभी तो फिल्म के मंजर जहन से नहीं निकले. मैं एक जेन्युइन बात बताऊँ उमर भाई, मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी. और दूसरी बात यह कि मैं आजकल के जितने लड़के लड़कियां हैं तो जो होता है ना कि यार हम लोग डेट पे चले जाएं, हम लोग काम कर लें, तो मेरे ख्याल से मैंने हमेशा जितने भी मेरे डिसीजंस लाइफ में मैंने यूं किए. ओके फाइन, मतलब आप फास्ट हैं, डोंट वेस्ट टाइम. यस, डोंट वेस्ट टाइम. मैंने यही कहा था कि यार सिर्फ मैंने ये पूछा था कि विल यू मैरी मी, दैट्स इट. और उसके थोड़े अरसे बाद मुझे ये पता चला कि मेरी ही तस्वीर इनके घर से बाहर फेंक दी गई थी. तस्वीर किसने उठाई? वो सारे मेरे कजन्स आए और कॉमन फ्रेंड्स जिनकी शादी थी, उन्होंने कहा ये एक रिश्ता आ रहा है तो ये लड़का है आप देख रहे हैं. जो बड़े थे वहाँ के उन्होंने कहा ये आ रहा है. तो मेरी मदर ने वो तस्वीर देखी, इनकी तस्वीर थी एक्स्ट्रा में वो आई थी. और फिर भी वही बॉडी दिखाने वाली ना, मसल वगैरह सारी इनकी और वाइट गिरेबान खुला हुआ. और ये अपनी तरफ से एक तस्वीर भेजी कि यार मैं जरा करता ध्यान भी रखूंगा बाद. तो वो मेरी मदर ने ना कहा कि उन्होंने फेंक दी. फिर उसके बाद फादर को फोन कॉल्स आए कि हम किसी के थ्रू शफकत राणा के बेटा है और ये वो. तो जब डैडी का नाम आया इनके फादर का तो उनको पता आया कि ये खानदानी बच्चा है. तो माय फादर, मेरे अब्बू ने और मेरे फादर इन लॉ ने इकट्ठे जीसी में साथ रहे हुए, सीनियर जूनियर. अच्छा. और साथ क्रिकेट खेली हुई है बचपन में. तो उनको तो फिर तो इजी काम. तो उमर भाई जब वो आए रिश्ता लेके इसके फादर, मैं कमरे में थी बंद, तो मैं वेट कर रही थी अंदर आए तो मुझे सिर्फ आवाज़ें आई ऊंची ऊंची ना, और मैं समझ गई कि कल लड़ाई हो गई है. जिस तरह वो मिले ना, मैंने नफिल मान ली और मैंने कहा, मैंने अपनी बहन को कहा कि ये क्या हो रहा है इतनी ऊंची आवाज़ में, प्रॉपर पंजाबी और जो लहजा बचपन का इनका खेल का, और तेरी बेटी और तेरा पुत्र और वो शुरू. और मैं तो डर गई, मैंने कहा ये ना हो कि कोई लड़ाई हो गई. और याद है बसंत की भी उड़ाने से पतंगियां उड़ाना और क्रिकेट खेलना. तो तुम्हारे अब्बा जी ने कहा ना, मैं तेरी वो गल दस देंगा कि तेरा घर बर्बाद हो जाएगा. मैं तुम दस्सां बस वो तो उन्होंने कहा ना यार बैठ जा. तो मतलब माशाल्लाह. अच्छा फिर हाँ हो गई. फिर वो गले मिले. जब वो गले मिले तो मेरी बहन भागते हुए आई कि रिलैक्स कुछ नहीं हुआ, वो आपस की अपनी बचपन की बातें कर रही थी. और माय फादर ब्लाइंड फोल्डेड, उन्होंने आंख बंद की और उन्होंने कहा कि ये शफकत राणा का बेटा है. और ये देखें क्या क्या बुजुर्गों का फैसला होता है. अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे. आपकी
आपकी स्टोरी बड़ी बहुत बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा। अभी हो गया, अब शादी होगी भाई? शादी होगी, चलो हो गई शादी। अल्लाह ने जिंदगी में एक बेटी अता फरमाई, मोहतरमा का नाम है उनका रिया राना साहिब आई। हाँ जी, तो जिंदगी में तब्दीली क्या आई? जब मेरी छोटी जो है माशाल्लाह रानिया जब बॉर्न हुई, शी इज सिक्स माशाल्लाह, तो उसके बाद हल्का उसके भी कुछ 4-5 साल के बाद, अभी मैं बता रहा हूँ, एक डेढ़ साल से मुझ में बहुत बड़ा चेंज आया है उमर भाई। अच्छा। कि नाउ अब मैं ये समझता हूँ कि मैं थोड़ा सीरियस हुआ हूँ लाइफ में। तो फीलिंग्स आ रही है ना, फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादरली फीलिंग्स आ रही हैं। नाउ यू फील इट नाउ। और उसके अलावा अपने शौक मैंने साइड पे रख के अपने बच्चों के शौक में ज्यादा वो, वेरी गुड, यही जिंदगी का हुस्न है। yes. हम इसी को कहते हैं ना, शादी अज़्दवाजी बंधन में बन जाना, जिंदगी गुजार देना और एक ही शख्स के साथ गुजारना अंडरस्टैंडिंग के साथ, और ऐसी हसीन और खूबसूरत फितरत की औलाद दुनिया में छोड़ के जाना जो कि सदका जारिया है। अच्छी औलाद दुनिया में छोड़ के जाना सदका जारिया है। मोमर राना, मैं जाती तौर पर इतना शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि आपने वो दिन मोहब्बतों का दिन हमें दिया, हम जितनी मोहब्बत का इजहार कर सकते थे किया, और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी करते रहेंगे, और अल्लाह करे कि हम हमेशा आपको इसी तरह हंसते मुस्कुराते देखें, और ये जो बीच में खाली जगह ना, इनमें उन दोनों गुड़ियाओं को बैठा हुआ देखें, और अल्लाह ताला करे। और मैं भाभी बहुत दिल से मशकूर हूँ आपका, और बहुत ही ज़्यादा आप यकीन कीजिए मुझे खुशी हुई आपके आने की, कि आपके आने से हमें एक सच्ची स्टोरी मिली और लोगों को ये मैसेज मिला कि मोहब्बत में अगर दम हो, यकीन हो, और ये बात हो कि जो मेरे नसीब में लिखा मुझे मिलेगा, तो वो मिलकर ही रहता है। मौलाना थैंक यू वेरी मच, और आज के दिन पर मैं आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता हूँ।